तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इसको नजरअंदाज कीजिएगा, ये कलरफुल टी शर्ट बन चुका है जो कि कल के डेट में होली थी और होली में तो ऐसा होता है, इसलिए आप लोग नजरअंदाज करके इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन पर आने वाले सारे स्पैम कॉल्स को बंद कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि एक दिन में कितने सारे स्पैम कॉल्स आपके मोबाइल फोन पर आ जाते हैं, वो भी बेवजह, यानी कि आपका कोई उनसे काम नहीं होता है, उसके बावजूद भी स्पैम कॉल्स बार बार आपके मोबाइल नंबर पर आते हैं और स्पैम कॉल्स आने की वजह होते हैं, बेवजह वो लोग कॉल नहीं करते हैं, उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। ओके, और इससे काफी सारे यूजर्स इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो बंद ही नहीं कर पाते हैं और बार बार स्पैम कॉल्स आ ही जाती है। काफी सारे यूजर्स मीटिंग में बिजी रहते हैं या फिर किसी बिजनेस में बिजी रहते हैं या फिर कोई और जरूरी काम कर रहे होते हैं, उस टाइम भी हमें कॉल आ जाती है स्पैम कॉल्स, और हम लोग उस टाइम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि आखिर में स्पैम कॉल्स आपको आते क्यों हैं, क्या वजह होती है स्पैम कॉल आने की, और इसको कैसे हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ टिप्स बताऊंगा और इसको डीएक्टिवेट करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, आखिर में आपको स्पैम कॉल्स क्यों आते हैं, दिन भर में कितनी बार आते हैं और कैसे आते हैं, यानी कि आपके नंबर पर कॉल कैसे आ जाते हैं, आपका नंबर किसी भी कंपनी को कैसे पता चलता है, उसके बाद मैं आपको इसे डीएक्टिवेट करने का भी प्रोसेस बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर में हमें कॉल स्पैम कॉल्स दिन भर में कितनी बार आ जाते हैं। वैसे आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, हम लोगों के मोबाइल फोन पर, एक्चुअली हम लोग इंडियन हैं और यहाँ पर हम लोगों के मोबाइल फोन पर अब की बात किया जाए तो दिन भर में 15-20 कॉल आ जाते हैं जो कि स्पैम कॉल्स होते हैं। मेरे लिए कोई जरूरी नहीं होता है, हाँ उनका पर्पस होता है, यानी कि स्पैम कॉल्स जो भी कंपनी कर रही होती है उनका अपना अपना पर्पस होता है, लेकिन मेरे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल नहीं होता, बट उसके बावजूद भी मुझे बार बार कॉल आती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, आखिर में कॉल कैसे आती है, मेरा नंबर उनको कैसे पता चलता है। तो दोस्त यहाँ पर आप लोग दे देते हो अपना नंबर, जी हाँ। अब आप कहोगे भाई मैं कैसे दे देता हूँ, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप कई जगहों पर, कई वेबसाइट पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो भी बिना प्राइवेसी पॉलिसी रीड किए, और वहां पर आप अपना नंबर छोड़ जाते हैं, ठीक है, ये सोच करके कि यहाँ पर मेरा जो नंबर है सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ऐसा होता नहीं है। आप सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है ना। आप जैसे कि मान लो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जहां पर आपको फ्री में सब कुछ करने के लिए अपनी सर्विस दे रही है, फ्री में दे रही है, तो आप क्या सोचते हो कि वो आपको फ्री में दे रही है और वो ऐसे ही बहुत सारे ब्रोकरेज को लेकर के, मतलब कि बहुत सारे एम्प्लॉय को लेकर के बैठा हुआ है? नहीं, वो आपसे ही अर्निंग कर रहा है, जी हाँ, आपका ही डाटा सेल करके अर्निंग कर रहा है। ओके, अब देखिए आप यही समझ लीजिए कि आप दिन भर में जितना चाहे उतना जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, तो फ्री में बनाते हैं, क्योंकि जीमेल अकाउंट बनाने के आपको कोई पैसा नहीं लगता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिए कि जीमेल अकाउंट यानी कि गूगल की जो कंपनी है जिसके जरिए आप जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना, काम कर रहे हैं, क्या उनको फ्री में बैठा करके रखा हुआ है? नहीं, उनको भी पैसा मिलता है यार, उस काम के पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाता है? तो यहीं से। आप जो भी अकाउंट क्रिएट करते वक्त आप अपना मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आप अपना नाम और भी कुछ वगैरह वगैरह कुछ डिटेल्स फिल करते हैं, तो उस डिटेल्स को थर्ड पार्टी कंपनी के साथ आपका डाटा शेयर करता है, भले ही कम रेट में करे या ज़्यादा रेट में करे, ये एक अलग बात है, लेकिन एक दिन में काफ़ी सारे यूजर्स, लाखों लाखों यूजर्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, या फिर गूगल अकाउंट क्रिएट करते हैं, किसी एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पर अपना डिटेल्स छोड़ जाते हैं, ये सोच करके कि मेरा सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आपके सारे डाटा को किसी थर्ड पार्टी कंपनी के साथ सेल करते हैं और वो अर्निंग तो कर लेते हैं, लेकिन आपका डाटा खतरे में चला जाता है और आपका मोबाइल नंबर इसी तरीके से किसी और थर्ड पार्टी कंपनी के साथ जाता है और वो आपको कॉल करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपने समझ लिया। अब बात आती है कि कोई भी स्पैम कॉल्स हमें क्यों आता है, ठीक है, कोई भी कंपनी हमें स्पैम कॉल्स क्यों करती है, तो मैं आपको बता दूं, हर एक कंपनी का अपना अपना एक मकसद होता है, एक पर्पस होता है आपको कॉल करने का। मैं आपको दो चार एग्जांपल दे देता हूं, कई बार मैंने ये नोटिस किया है, मेरे भी नंबर पर कॉल आया है।
होता क्या है, कई बार स्पैम कॉल्स आते हैं और हम जाने अनजाने में उस कॉल को रिसीव कर लेते हैं, तो कंपनी उधर से कॉल करती है या फिर कोई भी आपकी जैसा ही इंसान, ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटराइज बोल रहा होता है, कंप्यूटर के थ्रू बोल रहा होता, नहीं, हम आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरीके से इंसान बोलता है उधर से। कोई क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए बोलता है, मतलब कि मैं क्रेडिट कार्ड सेल कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इस क्रेडिट कार्ड पर ये सारे ऑफर से आप इसको अप्लाई कर लीजिए, ऐसे वैसे, ठीक है। मतलब कि हर एक कंपनी का अपना अपना एक मकसद है। कोई क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए बोलता है, कॉल करता है, और कोई लोन देने के लिए कॉल करता है कि हम आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर इतना खास अमाउंट देंगे, मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट आपको दे देंगे, ओके। और काफी सारे स्पैम कॉल्स आते हैं कि सर मैं आपका अकाउंट बैंक में, किसी भी बैंक में घर बैठे खोल दूंगा, सिर्फ आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, आपको ये करना है, वो करना है, ठीक है। और काफी सारे स्पैम कॉल्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत सारी कंपनी होती है अपनी सर्विस को सेल करती है, और सेल कैसे करेगी, तो आप तक पहुंच करके ही करेगी ना, मतलब कि कस्टमर के साथ ही करेगी ना, तो उसके लिए आपको स्पैम कॉल्स किया जाता है। और स्पैम कॉल्स आने के बाद आप लोग उस स्पैम कॉल को रिसीव करते हो, और किसी न किसी तरीके से आप लोगों को बहला करके, फुसला करके, बच्चों की तरह अपने कब्जे में कर लेता है, अपने ट्रैप में फंसा लेता है। उसके बाद जो होता है वो तो होता ही है, मतलब कि सेल क्या करेगा, वो आपको लूट करके चला जाता है। जी हाँ, कई बार मैंने ऐसे भी स्पैम कॉल्स देखे हैं, ऐसे भी मैंने न्यूज़ सुना है जिसमें कि स्पैम कॉल्स तो आया, ये तो सही है, लेकिन उसको लूट करके चला गया, यानी कि बैंक बैलेंस खाली कर दिया गया। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, स्पैम कॉल्स आने के बाद वो आपको बोलते हैं कि सर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, आपको लॉटरी मिली है, ओटीपी डाल करके कन्फर्म कर दीजिए, पे कर दीजिए, रिसीव कर लीजिए, मतलब वगैरह कुछ भी बोल देते हैं। और जाने अनजाने में काफी सारे यूजर्स पे कर देते हैं, रिसीव कर लेते हैं, ओटीपी दे देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर देते हैं। उसके बाद कुछ ही मिनटों में देखते हैं कि उनके बैंक में पहले से 1-2 लाख रुपए थे और अब 0 रुपए, लड्डू बचा हुआ है, मतलब कि एक भी रुपया बचा नहीं हुआ है। तो भाई आप स्पैम कॉल्स के चक्कर में ना पड़े, एक तो अगर आपको स्पैम कॉल्स आते हैं तो आप रिसीव ही ना करें, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई दिन भर में कई बार मुझे स्पैम कॉल्स आ ही जाते हैं, तो इसे हम बंद कैसे करें, डीएक्टिवेट कैसे करें, ताकि हमको बार बार कॉल ना आए और जाने अनजाने में मैं इस कॉल को रिसीव भी ना कर पाऊँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, अभी मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर के बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस स्पैम कॉल्स को बंद कर सकते हैं, ओके। देखिए, जब भी आपके मोबाइल नंबर पर किसी भी प्रकार का स्पैम कॉल्स आता है तो आपके सामने इसी तरीके से लोगो आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, ट्रू कॉलर जो एप्लीकेशन है अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा तो ट्रू कॉलर आइडेंटिफाई कर देती है पहले से ही कि यह एक स्पैम कॉल्स है जो कि आपको लोन देने के लिए कॉल कर रही है या फिर किसी और क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल कर रही है। तो काफ़ी सारे यूजर्स इससे सतर्क हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि यह एक स्पैम कॉल्स है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स ट्रू कॉलर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके नहीं रखते हैं, जिस वजह से उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में यह एक स्पैम कॉल है या फिर वाकई में कोई रियल कॉल आ रही है, ओके। और उस सिचुएशन में काफ़ी सारे यूजर्स कॉल को रिसीव कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर में अगर हमें बार बार स्पैम कॉल्स आए तो हम क्या करें, कैसे बंद करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, आप जिस भी कंपनी का सिम यूज करते हैं, चाहे जियो, एयरटेल, वोडा, आइडिया, जो भी है, किसी भी कंपनी का आप सिम यूज करते हैं, आप उनके कस्टमर केयर में कॉल करके बोलिए कि सर मेरे नंबर पर डीएनडी सेवा को, यानी कि डीएनडी सर्विस को एक्टिवेट कर दीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस, ठीक है ना। तो इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि बार बार मुझे दिन भर में कई बार स्पैम कॉल्स आ जाते हैं, तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए। अगर कस्टमर केयर वाले टीएनडी सेवा को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर स्पैम कॉल्स नहीं आएंगे, तो एक पॉइंट आपको ये कर लेना है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको करना क्या है, ट्राई का एक ऐप आता है डीएनडी के नाम से ही, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से, ट्राई का डीएनडी एक ऐप आता है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप स्पैम कॉल्स को आने से रोक सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। वहीं पर अगर आपको स्पैम कॉल्स आते हैं तो आप यहाँ से कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं, तो इसको आप इंस्टॉल करके यूज कर लीजिए। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको ध्यान क्या देना है कि आप जो भी, जिस भी वेबसाइट को यूज करने वाले हैं, जिस भी एप्लीकेशन में आप अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, उसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है रीड कर लीजिए केयरफुली, क्योंकि वहां पर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होता है कि मैं आपके डेटा को किसी और थर्ड पार्टी कंपनी के साथ सेल करूंगा या नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूजर्स रीड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े भाषण लिखे हुए होते हैं, आर्टिकल लिखे हुए होते हैं, और काफ़ी सारे यूजर्स सोचते हैं कौन इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ेगा, तुरंत के तुरंत यस कर देते हैं, परमिशन अलाउ कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियाँ हो जाती है। तो आप इसको केयरफुली पहले रीड कीजिए, उसके बाद ही परमिशन दीजिए। और लास्ट पॉइंट में आपको एक और टिप्स मैं बता दूं, आपको ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, और ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को आप यूज कीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जो भी स्पैम कॉल्स आएंगे ट्रू कॉलर आइडेंटिफाई करके बताएगी कि यह एक स्पैम कॉल्स है।
ठीक है, तो आपको पहले से ही पता रहेगा यह एक स्पेम कॉल से और आप रिसीव नहीं करेंगे। इन चार पॉइंट को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। अब मैं एक और सेटिंग बताऊंगा जिसको अभी के अभी आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ओके, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने लोगो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, ऊपर में इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रीमियम ब्लॉकिंग ऑप्शंस है, यानी कि अगर आप ट्रू कॉलर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा, और जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको इनेबल करेंगे, ठीक है, तो इनेबल करने पर ऑटोमेटिकली अपडेट टॉप स्पेमर्स, यानी कि जितने भी टॉप स्पेमर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट किए जाएंगे और ब्लॉक कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर टॉप स्पेमर्स विल बी ऑटोमेटिकली अपडेटेड ऑन योर फोन। ठीक है, आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे जो भी स्पेम कॉल्स होंगे और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और ऑटो ब्लॉक एवर मोर स्पेमर्स और ब्लॉक 140 सीरीज टेलीमार्केटर्स। तो ये तो है अगर आप प्रीमियम ले लेते हैं तो, लेकिन नीचे में कुछ फ्री भी दिए गए हैं ऑप्शंस, जैसे कि अगर आपको इसको इनेबल कर लेना है ब्लॉक टॉप स्पैमर्स, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कॉल्स एंड मैसेजेस फ्रॉम द मोस्ट रिपोर्टेड नंबर्स, इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक हिडन नंबर्स, इसको भी इनेबल कर दीजिए। ब्लॉक नंबर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इसको भी इनेबल कर दीजिए। फर्स्ट वाले ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देंगे ब्लॉक टॉप स्पैमर्स, तो अगर आपको स्पैमर्स की तरफ से यानी कि किसी भी कंपनी की तरफ से कॉल आती है स्पैम कॉल्स, तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मतलब कि 100 में से 90% कॉल जो है आप तक नहीं पहुँचेगी। चूंकि ट्रू कॉलर क्या करेगा, आपके स्पेम कॉल्स को आप तक आने से रोकेगा और उधर ही ब्लॉक कर देगा उसको, तो आप तक नहीं आएगी, और जब आप तक आएगी नहीं तो आप कॉल को रिसीव नहीं करोगे। उसके बाद ब्लॉक हिडन नंबर्स, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपको डिस्प्ले पर मोबाइल के स्क्रीन पर नंबर दिखता नहीं है बट कॉल आ रही होती है, तो उसे भी ये हाइड कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसी तरीके से अगर आप विदेशों से आपको कॉल आ रही है किसी विदेश से, दूसरे देश से, तो उसे भी इसे ब्लॉक कर दे। एक तो ये पॉइंट आपको कर लेना है, सेटिंग्स कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। उसके बाद एक और ऑप्शन है जिसको आपको इनेबल कर लेना चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन में। उसके लिए आपको क्या करना है, डायल पैड ओपन कर लेना है अपना डायल पैड। डायल पैड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको थ्री डॉट का ऊपर में ऑप्शंस दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्लॉक्ड नंबर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स, इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, जो भी आपको स्पेम कॉल्स आएंगे जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा उस कॉल्स को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे आप सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे। अब आपको स्पेम कॉल्स बहुत ही कम ना के बराबर आएंगे, और अगर आप DND सेवा को एक्टिवेट करवा लेते हैं तो आपको स्पेम कॉल्स आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप DND सेवा को एक्टिवेट करवा करके स्पेम कॉल्स को मुक्ति पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है दोस्त यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, फटाफट क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।